नमस्कार दर्शकों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। आपको मैंने सेकेंड ट्रिप ऑलरेडी दिखा चुका है। आज आपको हम हमारे पूर्वज के और एक ट्रिप दिखाएंगे। ये ट्रिप का नाम कमा है। ये जो स्पेशली जंगल का बड़ा बड़ा जानवर को बड़ा पार में मारने के लिए बनाया जाता है, जैसे जंगल का मिथुन, हिरन, भालू, ये सबको उसका रास्ता में उसको मारने के लिए हमारे पूर्वज बनाया करता था। और मेरा पिताजी अपना पिताजी से ग्रैंडफादर से सीख के रखा हुआ है। तो आज हम पिताजी के साथ कमा ट्रैप को आप सभी को बना के दिखाएंगे। घर के सामने एक नाला पे हम आया हुआ है, या फिर पिताजी वहाँ पे बना रहा है। देखिए ये देखिए, ये दंती का सपोर्ट के लिए ये मजबूत हो, अंदर में ये आज से नहीं घुसा पा रहे हैं। बहुत मिट्टी तान है, पत्थर का मदद से हम इसको मान लीजिए वो जानवर का रास्ता वहाँ पे है, तो ये यहाँ से इस तरह से खींचेगा, साइड से यहाँ पे स्लाइड करेगा। ये दंती से देखिए, इसलिए पिताजी उस साइड को मजबूत से सपोर्ट बना रहा है ताकि वो निकल ना जाए। ये बेम्बू का नाम तलम है और ये जो बहुत शार्प होता है, कुछ चीज़ को खाने के लिए बनाने बहुत शार्प होता है। तो कर छप जाए मान
यहाँ सब अब वो हम रुपये लाए एगो हम रुपये लाख दरिया में हम दरिया में इस चीज़ का नाम माको है। बड़ा जानवर जो सीधा ना भग जाए, उसकी दंती को दिखे थोड़ा झुकेगा, इसलिए ये बनाया जाता है थोड़ा रुकावट के लिए। जानवर ये मारियो देखे, ये सफेद को दिखाई दे के डर जाएगा। माँ फूफू संगा अधिक कापाते हैं मारियो तंपला कापाते हैं इसलिए जानवर को छुपाने के लिए इसको बंद करता है। ये मारियो को बंद करने वाला पता से उसको मापू बोलता है। वो चीज़ मारियो है जहाँ से हिरन जानवर जो भी को चीज़ को मारेगा। ये रबुंग और ये माको त्रवलोकेश के लिए जानवर स्पीड से जाने वाला है, हमें थोड़ा झुक के जाएगा ये दंती का कारण। और अभी पिताजी जो ये धागा को ज्वाइन कर रहा है, ये जो तासे त्री से लिया गया है, इसका नाम तमा है। ये थ्रेड जो बहुत मजबूत होता है। और अभी पिताजी लगा रहा है ये चीज़ का नाम जो मासो है। जानवर जो जाने से ये काला रस्सी देखे, इसको अच्छा से दिखाई नहीं देखे, उसका हाथ या पाँव उसको हिला देगा तो इसको हिला देगा तो ये मारियो जो उसको सक करके पार कर देगा शरीर को। देखिए वहाँ बांध दिया, उसके बाद इसका ऊपर से यहाँ से ले जाना है। ये तमा का रस्सी पूरा को बनाया जाता है, मगर आप सभी को दिखाने के लिए यहाँ पे अलग रस्सी एक तो ज्वाइन कर रहा है। तमा को ज्वाइन कर करके बहुत समय लेता है, इसलिए और अभी पिताजी एक छोटा सा दंती बन रहा है। इस चीज़ का नाम जो लाची है। कमा ट्रेप का हर पोर्शन का अलग अलग नाम है। पिताजी अभी आप सभी को बता रहा था, ये जो पुराना जमाना में हमारे एंसेस्टर ये सब बना के जानवर को मार के खाया जाता था, मगर ये जानवर मारने के लिए नहीं बना रहा है, आप सभी को दिखाने के लिए बना रहा है। हमारे पूर्वज कैसे कैसे किस किस तरीका से जानवर को मार के खाया जाता था, तो इस बहुत सारा टेक्निक यूज़ किया करता था, उसमें से ये एक है। ये रस्सी देखिए, ये जो मासो
जैसे इसको ऐसे जानवर जो देखिए यहाँ से ऐसे जाके इसको छूने से या उस तरह से ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे करने से आप आगे पीछे इसमें देखिए ये रस्सी यहाँ से आया है ये को कर देखिए सर्कल जो तो जैसे ही वहाँ में खाली तक ना वाला इधर उधर कर देंगे ये जो यहाँ से देखिए इस तरह से छूट जाएगा ऐसे छूट जाएगा तो सीधा ये दंती जो वहाँ मारेगा जानवर को पूरा आर पार कर देगा। और ये जो देखिए ये रस्सी का अलग अलग हाइट होता है इसको बांधने का, बड़ा जानवर के लिए इसको ऊपर, छोटा जानवर के लिए इसको थोड़ा नीचे, कौन सा जानवर का रास्ता में आप बना रहा है उसका हिसाब से इसका हाइट को मिलाता है, नहीं तो हाइट ज़्यादा होने से ऊपर मार देगा, नीचे होने से फिर नीचे मार देगा, उसका शरीर में एग्जैक्ट उसका हाइट कैसे ऐसे बांधता है इसको, ये जो इसको इसका हाइट को देखिए ये इसका हाइट को भी मिलाता है। आप आपको पिताजी दिखाएंगे, सपोज जानवर जो जाके और रस्सी को चू दिया तो ऐसे मारेंगे, देखिए कोई बचने का चांस नहीं है, सीधा शरीर को आर पार कर देगा। अभी पूरा इसको तोड़ के आता देंगे क्योंकि ये कुछ भी चीज़ को मारने का इरादा नहीं है, ये मिथुन का रास्ता है, सूअर का रास्ता है और आजकल जानवर नहीं मारता है, इसको हम तोड़ के रख देंगे। ये बस आप सभी को दिखाने के लिए बनाया था, मेरा माँ को इसको लकड़ी भूखने देगा। इसको यहाँ पे सूखने दो।